गुरुवे दीक्षा। मैं एकता मिठाई हूँ और मैं बेसिकली एक्टर हूँ। मैं 14-15 ईयर्स से ये फील्ड में हूँ और मैं मुंबई की हूँ। और रेकी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था वैसे। मुझे पता चला भी तो मेरे डैड से पता चला, बिकॉज मेरे पापा ने रेकी की हुई है, तो वो घर पे करते रहते थे। इनफैक्ट मैं बीच में बहुत बीमार थी तो मेरा रेकी करते थे, बट मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। एज अ पेरेंट्स वो हमेशा मेरे को ठीक करने का करते थे, बट मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। अभी रिसेंट कुछ टाइम से मैं बहुत इश्यूज फेस, मुझे थोड़ा टाइम। हाँ तो पापा ने रेकी किया हुआ था, तो बीच में कुछ टाइम से मैं खुद बहुत ये थी, अंदर से डिप्रेशन में थी। घर में किसी से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ होती थी, मॉम से अननेसेसरी फाइट करती थी, मेरे फियांसे से फाइट करती थी, लाइक यूजलेस फाइट करती थी, और घर पे चुप चुप रहती थी और हमेशा बहुत सारे प्रेशर्स लेके बैठती थी। तो उस वजह से मैं घर पे एकदम ऐसे रहती। तो डैड ने बोला कि तू रेकी सीख ले, तेरे लिए अच्छा होगा। तो पापा ने बोला नहीं सीख, तो वो ही पता नहीं ऑल टाइम इसका यूट्यूब पे लेकर आते थे, उसका यूट्यूब लेके आते थे, इधर सीखेगी उधर सीखेगी और ये सीखेगी। तो उनका ऐसा था कि ऑनलाइन सीखेगी क्या? मैंने बोला ऑनलाइन ही सीखूंगी, चाहिए तो आप मुझे कहीं भेजो, जहाँ दूर भी होगा तो मैं चली जाऊंगी। तो फाइनली फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि गुरुवे दीक्षा में सीखते। तो मैंने बोला कि ठीक, आपको लग रहा है ना मुझे इधर जाना चाहिए, ठीक है मैं चली जाती। तो मैं जैसे यहाँ पे आई, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट डिग्री होने के बाद मुझे, इनफैक्ट मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं बहुत बीमार थी, और जैसे ही मैं साधना करती गई ना, मैं कब ठीक होती गई ना मुझे पता नहीं चला कि मैंने मेरे लाइफ में इतनी चेंजेस किए। काम के सिलसिले में एज अ लाइक मेरा एकदम बिहेवियर ही चेंज हो गया। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं बहुत बीमार थी, और जैसे ही मैं साधना करती गई ना, मैं कब ठीक होती गई ना मुझे पता नहीं चला कि मैंने मेरे लाइफ में इतनी चेंजेस किए। काम के सिलसिले में एज अ लाइक मेरा एकदम बिहेवियर ही चेंज हो गया। इनफैक्ट पता नहीं मेरे को ना बचपन से ना बहुत डार्क सर्कल्स थे, तो फर्स्ट नोटिस मेरी मॉम ने किया कि तेरे डार्क सर्कल्स कम हो रहे। इनफैक्ट मेरी मॉम और मुझे हेरिडेटरी है, उनसे कम हो गया है मुझे, जस्ट बिकॉज मैं ग्लो करने लगी कहीं ना कहीं। क्योंकि जब मैं आई थी, सबको पता रहेगा कि मैं जब आई थी तो मैं बहुत काली लगती थी, लाइक अब थोड़ी सी मैं थोड़ी ग्लो कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साधना और रेकी की वजह से। तो प्रॉब्लम्स भी कम हो गई है, गुस्सा भी बहुत कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं साधना मैं ही नहीं करती हूँ तो वो चीज़ें पूरी तरह नहीं निकल पाई, वो मेरी गलती है। तो मैं आज यहाँ पे हूँ। बस मेरा ये है कि अब सेकेंड डिग्री के बाद मुझे मेरी लाइफ में और चेंजेस करना है, तो बस मैं करूँगी चेंज।